प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आप लोगों की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। पहले यहां देखते हैं कि वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव क्या है। इससे पहले जब मैं आपको बता रहा था, पढ़ाया था पिछली वीडियोज में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताया था कि वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में सारी चीज़ें आपको बताई गई। फिर भी आज मैं आपके के लिए मैं बता देता हूँ कि वैद्युत ध्रुव क्या है। वैद्युत ध्रुव एक निकाय है, एक व्यवस्था, एक सिस्टम है जिसमें दो आवेश बराबर और विपरीत आवेश, कौन बराबर और विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कम दूरी पर होते हैं, अत्यंत अल्प दूरी पर होते हैं, उन्हें हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव का मतलब होता है एक ध्रुव दूसरे ध्रुव, लेकिन इनकी दूरियां बहुत कम हों, ये दूरी करीब, जैसे NaCl है, आपने नाम सुना होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव होता है, दूसरा ये अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, सोडियम और क्लोराइड। इसी तरह HCl है, HCl में निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, ये अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये क्या निर्मित करते हैं? एक वैद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना है कि किसी विद्युत ध्रुव, अच्छा एक चीज़ और जान लें कि मान लीजिए ए प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं जो कि ए और बी बिंदु पर स्थित हैं और इनके बीच की दूरी 2L है। क्या है? 2L है, कहने मतलब कि मध्य बिंदु ओ है, ओ से इधर L है और इधर भी L है। ठीक है कि नहीं? तो वैद्युत ध्रुव इक्वल होगा, तब वैद्युत ध्रुव क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव इक्वल होगा 2QL। क्या होगा? एक आवेश और उनके जो बीच की दूरी है उनके गुणनफल को ही हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कि ध्यान दें, ये तो आपका वैद्युत ध्रुव बन गया है, दूसरा शब्द आता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। क्या? अगर एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश बीच में किसी चीज से बंधा हुआ है तो क्या होगा? यह आघूर्ण करेगा, एक दूसरे को खींचेगा, तो इसको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है कितना होता है आपका? होता है आघूर्ण, ये एक आवेश, क्यों ये एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। पहली चीज आपको यानी वैद्युत ध्रुव क्या है? वैद्युत ध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं यदि दोनों आवेश। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज बताना है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है? यदि दोनों आवेशों के मध्य दूरी मान लीजिए 2L है, ठीक है, कितना है? 2L है, तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो आपको वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए बताया। आज अब हम आपको बताएंगे कि वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में देखते हैं कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में देखेंगे। मान लीजिए एक वैद्युत ध्रुव है ए और बी, यहां पर आपका ये बिंदु ओ है, मध्य बिंदु है, क्या है? ओ। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? AL, क्या AL है? AL है, कुल मिलाकर 2L है। यहाँ पर मान लीजिए आपका एक जगह पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरी जगह पर माइनस, यहाँ पर आपका मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश। अब इसके इसी के अनुदिश, इसके अनुदिश, ठीक है,
एक बिंदु मान लीजिए कहीं पर P है, कोई अन्य दूसरा बिंदु P है, क्या है P है, जो मध्य बिंदु O से, कहां से, यहां से R मीटर दूरी पर स्थित है, कहां पर है R मीटर, ये R मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है, कितना मीटर है R मीटर है या R मात्रक जो भी है, R मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है कि नहीं। तो R से, अब यहाँ से अब देखें ये R मीटर दूरी पर स्थित है अगर, तो यहाँ से बिंदु B से इसकी दूरी क्या होगी, बिंदु B से इसकी दूरी कितनी होगी P की, ये होगी R माइनस L, क्यों L मीटर यहाँ से यहाँ तक है तो R माइनस L होगी, इसकी दूरी क्या होगी R माइनस L, और बिंदु A से कहने मतलब माइनस Q से यहाँ से जो दूरी होगी इसकी कितनी होगी, ये दूरी जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी R प्लस L, क्या होगी R प्लस L ये दूरी होगी, ठीक है कि नहीं। तो अब देखें हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, किसके कारण, प्लस Q के कारण, अब लिखेंगे प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, विभव इसको मान लीजिए V1 है, विभव क्या है V1 है, इक्वल कितना है आपका हो जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के, मान लीजिए जो क्या नाम है, ध्यान दें जो आपका ये द्विध्रुव है जिस माध्यम में रखा है उसका पहला विद्युतांक कितना है K है, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट K लिखेंगे, ठीक है, और आगे लिखते हैं Q अपान, और ये आपका V1 प्लस में प्लस Q के कारण है, अब इसी तरह माइनस Q के कारण, माइनस Q के, अच्छा एक चीज ध्यान दें यहाँ पर R क्या है, ये दूरी कितनी है बीच प्लस Q से P तक की कितनी दूरी है, इसको ध्यान दें R माइनस L है, यहाँ माइनस R माइनस L कर देंगे, क्या लिखेंगे 1/4 pi εr k Q अपान R होता है ना, तो R की जगह हम क्या लिखेंगे R माइनस L, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस L है। अब माइनस Q के कारण देखेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, यहाँ पर विभव देखेंगे, यहाँ इसको मान लीजिए V2 है, ये हो जाएगा माइनस Q है ना, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, और एक चीज देखें माइनस Q से दूरी कितनी है आपकी P बिंदु की, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी R प्लस L है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम R प्लस L, क्या लिखेंगे R प्लस L। अब एक चीज ध्यान दें वैद्युत विभव जो होता है एक अदिश राशि होती है, जब अदिश राशि है तो इनका जो जोड़ होगा वो बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है, दोनों क्या है अदिश राशि है तो इनका तो टोटल जो विभव होगा कितना होगा, कुल विभव, अतः कुल विभव, क्योंकि आपकी अदिश राशि है, अदिश राशि बीजगणितीय योग होता है, इसको भी लिखना पड़ता है, लिखेंगे ये V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2, क्यों इक्वल हो जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L माइनस Q अपान O 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L। अब इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम इनको, इनका सम करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने में क्या प्राप्त होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के है, ये और Q इस कॉमन है दोनों में, इसको क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, अब देखें इसको यहाँ पर लिखेंगे इक्वल
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर क्या हो जाएगा क्यू, क्या है क्यू और क्यू, क्यू कॉमन है। अब बच क्या रहा, वन अपॉन आर माइनस एल और माइनस वन अपॉन आर प्लस एल, इन दोनों को जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका गुणा बनाएंगे तो देखिए वो आर माइनस एल है, आर प्लस एल है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के सूत्र से हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा आप देखें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल, इधर आएगा आर प्लस एल और इधर आर माइनस एल जाएगा, तो आर माइनस एल से पहले क्या माइनस है, तो आर माइनस एल की जगह क्या हो जाएगा माइनस आर प्लस एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस आर प्लस एल, ठीक है। यहाँ देखें आर और आर माइनस में है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या होगा ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा आप ध्यान देना, तो हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आर और आर कट गया तो क्या बताया ऊपर, ये आपका क्यू अपॉन कितना है, और यहाँ बताया टू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या आप जानते हैं कि टू, इससे पहले आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले इसी में शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि टू की वी एल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो ये लिखा जाएगा आपका इक्वल पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, अपॉन पी अपॉन हो जाएगा, अपॉन ही हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यदि आर इज एल इज मोस्ट लोअर देन आर, ध्यान दें यल का जो यल है तो अत्यंत छोटा है किससे आर से, तो हम यल को नगण्य मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं ना के बराबर मान सकते हैं, तब उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका होगा अक्षीय स्थिति में, क्या होगा ये अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव, मान लीजिए वैद्युत ध्रुव है क्या ए और बी, ए बी वैद्युत ध्रुव है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इसके कारण में पी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो हमें इसके कारण इस द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विभव क्या होगा, इसमें दो आवेश है एक माइनस एक प्लस प्लस है, तो दोनों का जो जोड़ आएगा दोनों विभवों का दोनों के कारण ओ के उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का के और आर स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके अलावा अभी आपको बताना है अक्षीय स्थिति के अलावा निरक्षीय स्थिति में क्या बताना है, निरक्षीय स्थिति में देखें निरक्षीय स्थिति में क्या हो सकता है वैद्युत द्विध्रुव, किस स्थिति में निरक्षीय स्थिति में मान लीजिए इसमें भी एक वैद्युत ध्रुव है ए और बी, ठीक है, इसमें इसके बीच की दूरी कितनी है एल है टू एल है, पहले मतलब यहाँ से यहाँ तक आ एल है और यहाँ से यहाँ तक एल है, ठीक है, ये टू एल है एल और एल, ए और बी के बीच की दूरी और इसके मध्य का बिंदु ओ है, यहाँ से एक लंबवत एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक एक लाइनें मिलाते हैं इसको हम किसको ए पी को और बी पी को मिलाते हैं, यहाँ ए पी और बी पी क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि और मान लीजिए इसकी दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी आर है, कितनी है आर है, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है आर है, तो अब यहाँ पर आपका माइनस क्यू आवेश है और इधर प्लस क्यू आवेश,
एक पर क्या है प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं तो एक जो आपका पी ए पी है और इसकी दूरी कितनी होगी पहले देखें। तो यहाँ पर आप देख यहाँ से एल है, यहाँ से यहाँ तक एल है और ये कितना है आर है, ठीक है। तो आप देखें ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें इसके कारण बिंदु माइनस, हाँ तो मैं बता रहा था बिंदु Q के कारण ओ P बिंदु पर तीव्रता के इसकी वैद्युत विभव कितना होगा। तो मान लीजिए V1 है बिंदु माइनस Q के कारण वैद्युत P बिंदु पर, किस बिंदु पर P बिंदु पर, P बिंदु पर वैद्युत विभव बी वन है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बी पी है हो जाएगा माइनस, माइनस के कारण है तो माइनस वन पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा क्यू अपॉन क्या है ए पी, ठीक है, क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ए पी तथा प्लस क्यू के कारण, के किसके कारण प्लस क्यू के कारण अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में देखें पी बिंदु पर बिंदु पर वैद्युत विभव क्या वैद्युत विभव वी टू है ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा क्यू अपॉन बी पी, क्या हो जाएगा क्यू अपॉन बी पी। एक चीज ध्यान रहे कि वैद्युत विभव क्या है, आपको बताया गया कि दोनों एक अधिस राशि, इसलिए इनका जो योग होगा क्या होगा बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो अर्थात कुल योग क्या लिखोगे कुल कुल योग क्या कुल वैद्युत विभव क्या लिखते हैं कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव कितना होगा देख सकते हैं, यह हो जाएगा बी वन प्लस बी टू, बी वन प्लस बी टू यहाँ हो जाएगा वन पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन ए पी माइनस में प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा Q अपॉन बी पी। अब हम जानते हैं कि बी ए पी इक्वल क्या है बी पी है लंबवत में है तो क्या हो जाएगा परंतु लिखेंगे परंतु ए पी इक्वल बी पी दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगी दो ए प्लस में माइनस में दोनों कैंसिल हो गए इक्वल कितना हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। तो कुल मिला के जान लिया कि अगर निरक्षीय स्थित लंबवत दूरी पर है आपका वैद्युत ध्रुव के लंबवत दूरी पर है मध्य बिंदु के और कोई भी बिंदु है तो वहाँ पर जो वैद्युत विभव होता है उसका मान कितना होता है शून्य होता है, क्या होता है वैद्युत विभव शून्य होता है। तो इस तरह से आपको वैद्युत ध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को बताया गया। आशा करता हूँ कि आप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक करिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।